विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की खबर से हर किसी को झटका लगा है। पूनम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस की मौत की खबर शेयर की गई है। पूनम की अचानक मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि पूनम पांडे पहले ही विवादों में फंसी रहती थी। ऐसे में लोग उनकी मौत को कई तरह से जोड़ रहे हैं। किसी ने कहा ये अटैक नहीं बल्कि जानबूझकर पूनम पांडे को मारा गया है। पूनम पांडे महज 32 साल की थी। पूनम पांडे के इंस्टा अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है, ये सुबह हमारे लिए कठिन है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया है। उनके कॉन्टेक्ट में आने वाला हर इंसान उनसे प्यार से मिला। दुख की इस घड़ी में हम प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करेंगे। हम उन्हें हमारे द्वारा शेयर की गई हर बात के प्रेम पूर्वक याद करेंगे। पूनम पांडे की मौत की खबर को उनकी पीआर टीम ने कंफर्म किया। हालांकि ये इंस्टा पोस्ट 4 दिन पुरानी है। फैंस एक्ट्रेस की मौत की खबर के बाद गहरे सदमे में और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया जा रहा है। पूनम पांडे एक बेहद फेमस मॉडल थी। उनकी लोकप्रियता तब आसमान छू गई थी जब उन्होंने 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल से पहले एक वीडियो मैसेज में वादा किया था कि अगर भारत फाइनल मैच जीता है तो वो कपड़े उतार देंगी, और उनके इस दावे के साथ वो पहली बार विवादों में आई थी। वही वर्क फ्रंट की बात करें तो पूनम पांडे को आखिरी बार कंगना रनौत के रियलिटी शो में देखा गया था। पूनम पांडे की अचानक निधन की खबर से हर कोई हैरान है। यहाँ तक कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं रही। और कुछ घंटे पहले पूनम पांडे ऑनलाइन भी थी। पूनम पांडे की इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया। पूनम पांडे की इंस्टा अकाउंट पर जारी किए गए स्टेटमेंट में कहा गया कि ये सुबह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको ये बताने के लिए बहुत दुख हो रहा है कि हमने कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया। वो जिससे भी मिली प्यार और स्नेह से मिली। दुख की इस घड़ी में हम प्राइवेसी का करेंगे। हम उन्हें हमारे द्वारा साझा की गई बात के लिए प्यार से याद करेंगे। पूनम पांडे की यह आखिरी पोस्ट ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पूनम पांडे की मैनेजर पार्सल चावला ने भी निधन की पुष्टि की है। पार्सल ने मीडिया को बताया कि पूनम इस दुनिया में नहीं रही। 3 दिन पहले पूनम ने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमे वो गोवा में क्रूज पार्टी में नजर आई थी। अब 3 दिन पहले जो एक्ट्रेस पार्टियों में मस्ती, अचानक उसकी मौत कैसे हो सकती है? यहाँ की पार्टी में पूनम टल्ली होकर नाचती दिखाई दी थी। ब्लैक और व्हाइट आउटफिट में पूनम एकदम फिट एंड फाइन दिखाई दे रही थी। ऐसे में अचानक उनकी मौत की खबर से हर कोई हैरान है। पूनम पांडे की वो आखिरी वीडियो सामने आ गई है जिसमें पूनम पांडे हंसते गाते नाचते हुए मौत को गले लगा रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूनम पांडे की ये आखिरी पार्टी होगी। पूनम पांडे मौत को गले लगाने से पहले खूब टल्ली होकर नाचती हैं, जैसे उनसे ये सब करवाया जा रहा है। नाचती गाती और पार्टी करती हुई पूनम पांडे दुनिया को अलविदा कह जाती हैं। हर कोई हैरान है कि घंटे पहले तक पूनम पांडे हर किसी से बातचीत कर रही हैं, घर में खूब मौज मस्ती कर रही हैं, और कुछ ही देर में उनकी मौत की खबर आ जाती है। पूनम की मौत की वजह कैंसर बताई जा रही है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि पूनम की मौत कैंसर से हुई है, क्योंकि पूनम पांडे का पहले से ही विवादों से नाता रहा है। ना जाने किस विवाद में आकर पूनम की मौत हुई है। पूनम पांडे को अश्लील वीडियो शूट करने पर गिरफ्तार भी किया गया था। पूनम पांडे की शादी भी विवादों में रह चुकी है। लॉकडाउन के वक्त उन्होंने शादी की और 2 हफ्तों में उनका झगड़ा हो गया। हनीमून के वक्त पति से झगड़ा करने पर वो सुर्खियों में आई थी। उन्होंने पति पर मारपीट का आरोप लगाकर खूब बटोरी थी। उनके पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूनम की मौत के पीछे पति का हाथ भी हो सकता है।